आज आजाद नगर में आकर यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा परेशानी थी, उसी को देखते हुए यहाँ पर अपने उद्घाटन किया पानी का, नल का। उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले जो हालात थे यहाँ पर एक 10 साल पहले, उसके मुकाबले तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा राहत हो चुकी है। जो 10 साल पहले हालात थे उसमें तो आप पूछिए ही मत कि यहाँ पर पानी कब आता था कब नहीं आता था, क्योंकि हम भी मुमरा में पैदा हुए, मुमरा में बड़े हुए, तो हमको अच्छे से पता है ये चीज़। अभी 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के पूरे सहयोग के साथ यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, बेहतर हो चुकी हैं। बट स्टिल यू नो यहाँ पर एवरी ईयर जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से जो है पानी उनको नहीं पूर पाता है सही से। तो हम लोगों ने एक बोरिंग ऑलरेडी थी, पर और एक बोरिंग हमने यहाँ पर इसको सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, ये मेरी दादी है इनके नाम पर ये ट्रस्ट है, तो हमने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बोरिंग की इब्तिदा की है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग शिवाजी नगर जो ऐसे सारे जो थोड़े अपसाइड एरिया है ना, डोंगर के एरिया है जो थोड़े ऊपर है वहाँ पर, क्योंकि पानी की लाइन ऊपर जाती है तो उनको ठीक से पानी नहीं आ पाता, बहुत सारे रीजन है, मोटर लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उनके लिए उनकी सुविधा के लिए शिवाजी नगर में और ऐसी जो जगह रहेंगी जो ऊपर रहेगी और जहाँ पे पानी नहीं आ रहा रहेगा वहाँ पर हम लोग बोरिंग की इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। ये बोरिंग है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा? ये बोरिंग हम लोगों का ऐसा गोल है कि हम लोग इसको डिवाइड कर दें, मतलब ऑलरेडी जो बोरिंग है उससे आधे पट्टे में डिवीजन हो जाए और इससे आधे पट्टे में डिवीजन हो जाए, बाकी पीने के लिए तो है। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ पर जो बोरिंग की शुरुआत की गई है तो इससे आप लोगों को पानी की जो प्रॉब्लम थी कुछ हद तक हो जाएगी? पहले बहुत तकलीफ थी लेकिन अभी माशाल्लाह से पानी आ गई है और मर्जिया पानी की सही से सब जो यहाँ पे पानी का भी हो चुका है, आधे से ज्यादा तो समझो बोरिंग से आराम हो जाएगा, बहुत लोग आराम मिलेगा आपका। और आज यहाँ पे सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मर्जिया शानू पठान द्वारा यहाँ पे पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो क्या कहना चाहोगी इस बारे में? बहुत अच्छा है भाई, अभी तो बहुत अच्छा बदल गया है पानी का, अभी ये बोरिंग लग गया उससे तो और अच्छा हो जाएगा, सहूलत हो जाएगी, सब सहूलत हो जाएगा, खाली ओके हो गया, चालू हो गया, सब समझो टेंशन खत्म। पहले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती थी? अभी पहले कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, बोरिंग था वो खारा पानी होने के नाते थोड़ा पानी का तकलीफ हो गया था, मगर पानी का इंशाल्लाह कभी कमी नहीं हुआ, खारा हो जाए के नाते से थोड़ा तकलीफ हो रहा था, मगर ये बोरिंग हो गई ना उसकी वजह से अब तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, दूसरा बोरिंग है, बोरिंग किया गया है मर्जिया, ये जो बोरिंग किया गया है तो इसमें क्या खारा पानी आ रहा है या पानी पी नहीं पा रहा है? इसमें नहीं खा रहा। देखो मैं आपको बताती हूँ, कभी सीजनल इशू की वजह से हम लोग ने जो 2.5 साल पहले बोरिंग की थी उसको वो सीजनल इशू की वजह से क्लाइमेटिकल चेंज जो कंटिन्यू हो रहा है हमारे, नहीं पहले अच्छा आया था, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक थोड़ा खारा पानी आ रहा था, वो भी हम लोगों ने लैब टेस्टिंग को दे दिया है, तो तब तक हम लोगों ने जब लोगों ने बोला कि वहाँ पे आ रहा तो हमने फौरन नहीं बोरिंग कर दिया, जब तक कि वो सुधरे वो भी यूज में आ जाएगी ना, फिर वो भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी यूज में, तो पूरा ही प्रॉब्लम। बोरिंग तो 4-5 हो गई है, ऐसा बोरिंग का नहीं।